नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। विधानसभा क्षेत्र स्थित हीरा कॉलोनी में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। यहां के लोग वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे, ये आरोप संकल्प संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम ने लगाया। इसके साथ ही प्रशासन से यहां का विकास करने की मांग की है। लोगों ने बताया है कि यहां स्थित सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे, यहाँ नियमित जलापूर्ति नहीं होती, बिजली की आपूर्ति भी खंडित रहती है। इससे यहाँ के लोग परेशान हो गए, अतः परिसर में मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। इस अवसर पर प्रवीण सुखे, इंद्रजीत नगदीवे, अनिल काले छोट, पोल कोडवार, प्रशांत लड़े बन हीरा कॉलोनी के परिसर की एक सड़क पर भरा हुआ पानी सच को बयां कर रहा है। बरघाटी रमेश लाड़े व मोहन ढोरे, विनोद महरे, सुनील परवी, राजेश कोसरकर, दीपक शर्मा, ममता ताई शर्मा, चंदा राउत, दिनेश ठाकरे, अरुण राव शेडे सहित नागरिक उपस्थित रहे। मजेदार गोष्ट तो ही है, यहाँ कॉलोनी चे नाव हीरा कॉलोनी है। आम्ही काल सायंकाळी आलो तो इथले जे लोकांचे आम्हाला कॉल आले ते पाहायला, पण रात्री स्पष्ट आता दिवसा पण आलो हिरा कॉलनी आहे, इथले हिरे तर अक्षरशः गायब झाले, फक्त खडे राहिले आणि इथे लोक राहतात। 10 ते 15 वर्षापासून लोक राहून आले, पण इथं बंडेरा बद्दल सांगितलं मला, पहिली हिरा कॉलनी ही अशी असेल काही ते ग्रामीण क्षेत्रात जसे